हेलो अस्सलाम वाला मनीता बाल हुदा। वालेकुम अस्सलाम वाला मनीता बाल हुदा। मौलाना शब्बीर अहमद साहब बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं जनाब? भाई मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। मैं इस वक्त भाई मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? जी शाहिर बोल रहे हैं ना, शाहिर रजा उर्फ शब्बीर अहमद। अभी दिल्ली में घूमिए। अरे घूमना हमारा काम नहीं है, ठीक है? दुनिया में घूमने के लिए नहीं आए, इबादत के लिए आए। शाहिर रजा से बात करने के लिए तुमको? भाई आप ये बताइए, आप भागते क्यों हैं अफू खान के नाम से? इतना मतलब आपसे क्या कोई मतलब भाई वो जिन सवार हो जाता है? जाहिल से बात नहीं करता। जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके पहले इनका। हेलो वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वाला मन क्या बोल रहा था? कौन भाई? हाँ कौन बोल रहा है? शब्बीर साहब बोल रहे हैं या शाहिर रजा साहब बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं जनाब? मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। अच्छा अच्छा, बाद में बात करो क्योंकि जुमा के बाद अभी पड़ गया, थका हुआ। अरे तो थके में मेरे को कोई मुनाजरा थोड़ी ना करना है, सिर्फ एक नॉर्मल बात करनी है आपसे। तो भाई रात में बात करो ना यार, तुरंत आया यार, तुम्हारा फोन आ रहा था जुमा में। तो मेरे भाई आपके ऑडियो भी तो जुमे में आई है। आपने मेरे नाम को बदनाम करने की जो नाकाम कोशिश की है उसके बारे में बात करनी थी। तो रात में बात कर लो, रात में नहीं। ये शेर खान का नंबर जरा आप हमको दे दीजिए यार, रात में बोल रहा हूँ ना। तो क्यों भाग रहे मेरे भाई, डर क्यों रहे बताइए ना मेरे भाई, क्या मेरी गलती क्या है बताओ? सामने बताओ ना, पीछे मेरे भाई तुम ही करते हो बुराई, करते हो बोतानबाजी करते हो। हाँ 100 बार पढ़ना मेरे भाई, ये जो तुम अप्पू चप्पू लप्पू करते हो, जब 6 महीने से मेरी तुमसे बात नहीं हुई है तो मेरे नाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? तो मेरे भाई बात करो ना, ऑडियो बनाने का टाइम है, लोगों को बदनाम करने का टाइम है, बात करने का टाइम नहीं है। मैं अभी नहीं है टाइम ना भाई, हमें इतना बता दीजिए मेरे नाम का इस्तेमाल आपने क्यों किया? मौलवी लोगों के पास हम लोग फोन करते, तुम्हारे मौलवी लोगों के पास क्यों कम नहीं रहता है? तो अपने मौलवी का नंबर दे, मेरे मौलवी से बात करता हूँ। अरे तुम हम लोग से बात नहीं कर पाते हो, तुम्हारी क्या उम्मी सलाहियत है मेरे भाई? तुम तो झूठे मक्का एक नंबर के। वो भाग रहा है? हाँ बेटा बोल जाहिल, क्या हुआ? भाग रहा है जाहिल? अबे भाग कर रहा हूँ, भागता तो फोन उठाता क्या? चल बता बहुत जल्दी। चल मेरे सवाल का जवाब दे, IRC को जवाब नहीं दे पाया मेरे पड़े भाई। यानी कि तूने मेरे को आलिम मान के फोन किया है क्या? पूछ सवाल पूछ। तू मैं पूछो मैं चल पूछ बेटा, जितने सवाल पूछना है पूछ, जितने तेरे पिछवाड़े में दम है सवाल पूछता है, जितने तेरे पिछवाड़े में दम है उतने सवाल पूछ ले। चल पूछ। और तू जाहिल को ऊपर कर रहा बेटा, बेटा जेल ना जाएंगे, जितने सवाल पूछना है फटाफट पूछो, आराम से सुकून से सांस लेके वरना फेफड़े तुम्हारे बाहर निकल आएंगे। जाहिल रजा टीटीएस शब्बीर रजा, फटाफट मेरे भाई सवाल पूछो, ठीक है? ये जाहिल मुतलक अपू अपने अबे सवाल पूछेगा कि अपने ही उत्तर है मेरे जाहिल दोस्त? सवाल पूछना। सवाल ये है कि नमाज में अत्तहियात के बाद क्या बोलते हो? भाई हनफी मसलक में ये है कि अत्तहियात में अगर पाद मार दें तो उसकी नमाज हो जाएगी। चलिए बता इसको साबित कर, ये बता के जल्दी साबित कर, तुम लोग साढ़े पाँच पाँच के नमाज पढ़ने वालों, चल फटाफट साबित कर। तेरी हनफी फिक्र में उतरा हुआ है कि नमाज में अगर कोई कायदे में बैठा हुआ है और अत्तहियात से पहले अगर वो पाद मार दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। अबे जवाब देना जाहिले आदमी, अबे अपनी फिका से भाग रहा है? कितना बड़ा दोगला आदमी बेटू, कितना बड़ा दोगला, अपनी हनफी फिका से भाग रहा है? अच्छा ये बता, तेरे आला हजरत ने आपको कुत्ता गाय सोचा तो कुत्ता है? अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत का फतवा लिखा हुआ है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो तू आला हजरत को कुत्ता मानता है कि नहीं? अहमद रजा खान को तू कुत्ता मानता है कि नहीं? अबे बोलना जल्दी। अबे चिंदी चोर, अपनी बात से तूने फोन किया अफू खान को, ठीक है? तेरे ऐसे चिंदी चोर बहुत आते हैं, कल जवाब देना। अबे जल्दी देना मेरे भाई, जल्दी बोलना। आला हजरत को कुत्ता मानता है कि नहीं तू?
अबे गुरुदेव राय को कुत्ता मानता हूँ भाई, क्योंकि उसने खुद अपनी जबान से कहा कि मैं कुत्ता हूँ। देखो भाई, तो भाई मैं कुत्ते को कुत्ता मानता हूँ भाई। देखो देखो अबू इब्ने भाई कुत्ते को आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए फटाफट। यार कैसे भाग रहा है इसने भाई, आला हजरत को आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं? आके सवाल कर अनवारी रजा सपा नंबर 238 अहमद रजा खान साहब, वो एक फतवा देते हैं कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना मेरे भाई, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ की दुकान बंद रखो, जल्दी बताओ। तो इसके पहले तुम नमाज में नियत करते हो? मैं नियत करता हूँ दो रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रूप में, मेरा काबिल पीछे इस्तेमाल के उस नियत के सबूत के, चल एक जगह पे टिक करके बात नहीं करता, फटाफट जरूर देना मेरे भाई, तू जल क्यों नहीं है? भाई आरसी में हमारे आदमी टीम को कॉल करके परेशान करते हो, अब तुम्हारी आगे की टीम पीछे की टीम हो गई? यही लाखी जवाब दो ना, सारे सुन्नी मुसलमान जवाब दो, बौखला गया पागल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई। वालेकुम सलाम, कौन? अरे सब खैरियत से हैं जनाब जी? अल्लाह करम, कौन है जी? अरे भाई मैं आपका छोटा भाई बोल रहा हूँ, अप्पू खान। अप्पू खान बोल रहे हो? हाँ हाँ, कहाँ है भैया आजकल, दिखाई नहीं पड़ रहे व्हाट्सएप कर? जहाँ पे थे वहीं पे हैं, तुम ही ने दिखाई पड़ रहे हो व्हाट्सएप पे। क्या बात कर रहे हैं भाई, हम तो डेली दिखाई पड़ते हैं, हमने कहा चलिए बात की चल रहे आपसे, माशाल्लाह आजकल ऑडियो आपकी आ नहीं रही है, व्हाट्सएप पे आ जाओ। भाई आप ये सब बच्चों वाले खेल खत्म कीजिए, व्हाट्सएप वाले भाई डायरेक्ट फोन पे बात किया कीजिए। खेल तो तुम खेलते हो ना भाई, हम तो डायरेक्ट फोन करते हैं, हम तो बड़ों वाला खेल खेलते हैं भाई, अब ये बच्चों वाले लोग बेचारे दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। डायरेक्ट फोन करना ये बड़े वालों का काम है, इसका मतलब तुम्हारे जो बड़े बड़े लोग जो व्हाट्सएप में काम कर रहे हो वो लोग बच्चे तुम्हारे हिसाब से, करो ठीक है? हाँ ठीक है, आपको कया असल में आपका दिन कयासी है ना, आप लोग कहाँ का कयास कहाँ कर लेते हो। सारे गैर मुकल्लिद जितने भी भाई, गैर मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे, ठीक है? आप पहले उनको कहिए गैर मुकल्लिद, बाद में हमें कहिएगा। तुम्हारे अच्छी बात है, हाँ गैर मुकल्लिद बच्चे हैं, इसका मतलब भाई इमाम आजम के बच्चे हैं आपके सामने, है ना? तुम्हारी फिरके की जितने लोग बात करते हैं सब गैर बच्चे हो गए, बात खत्म। तो बच्चे क्या, हमारे वहाँ तो भाई जो लोग भाई तालबे इल्म है वो लोग व्हाट्सएप पे अपना काम चलाते हैं, और जो अलहमदुल्ला भाई आलिम टाइप के लोग हो रहे हैं वो लोग डायरेक्ट फोन पे बात करते हैं। लोग बात करते हैं तो मैंने कह दिया ना भाई कि तुम्हारे उसूल से साबित हो गया कि तुम्हारे नहीं, उसूल से क्या साबित हुआ है वो उसूल से बाद में साबित हो जाएगा। थोड़ा एक सवाल आपसे, अगर आप मेरे भाई परमिशन दे तो सवाल पूछ लें। बच्चे हैं, अच्छा ठीक है भाई शब्बीर पीटीएस भाई, अब भागना बंद कीजिए, मैं आपसे अपना सवाल करूं कि ना करूं? भागना बंद कीजिए, मुझको बोलता है भागना बंद कीजिए। अरे तो मेरे भाई आप बड़बड़ क्यों चालू कर देते हैं, जब आपको फोन करते हैं आप बड़बड़ाने लगते हैं अपने आप में, क्या मतलब बात क्या है कोई, मतलब आपको बीमारी हो तो बताइए। भागने की हिम्मत कर, अबे आज तक कोई आदमी में बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शब्दी। अरे मैं पैदा हो गया हूँ मेरे भाई, अप्पू खान 1991 में पैदा हो चुका है। अभी जवाब तो तुम बार बार बात करो भाई, मैं 2 बार फोन करूंगा 2 बार भागोगे। इसके बाद बड़ों से बात, अच्छा चलो 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 मेरे भाई, ठंडा पानी पी लो, चिल्लाओ मत, फेफड़े बाहर निकल आएंगे, आराम से बोलो। तुम पैदा हुए हो तो अरे फेफड़े बाहर निकल आएंगे शब्दी पीटीएस भाई, भाई सब्र से काम लीजिए, सब्र से बात करना। अरे सब्र से काम लीजिए, खाली एक सवाल पूछना था कि आप हंसी क्यों हो? शब्बीर भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपका जिम मेरे भाई जाग जा रहा है तो आप अऊज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए, जिम आपका सो जाएगा। मेरे भाई मेरे, अरे सुन लीजिए अल्लाह के बंदे, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आप हंसी क्यों हो? आप हंसी क्यों हो? आप हंसी क्यों हो? आप हंसी क्यों हो? जवाब दे दो मेरे भाई, भाई आप हंसी क्यों हो? इस सवाल का जवाब दे दो। मैं हंसी क्यों हूँ? हाँ भाई इसका जवाब चाहिए था। मैं जवाब दूंगा और फिर तुमसे एक सवाल करूंगा, जवाब दोगे? डन करो, बिल्कुल डन, डन डन डन। मैं एक सवाल का
भाई मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझसे पांच सवाल कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए ऑफर है। मेरे जवाब में फिर सवाल है। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद मेरा सवाल ये नहीं कि उसके बाद आप पांच सवाल एक साथ पूछेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दे देंगे, फिर आप मेरे से पांच सवाल पूछेंगे और मैं पांचों का इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा, ठीक है? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप हनफी क्यों हो। सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, उसके बाद तुम दे दूंगा कर देंगे ले लेना, ये सब बातें बात क्यों गई? मैंने सवाल किया है, फटाफट जवाब दीजिए कि आप हनफी क्यों हो। हाँ भाई हम जवाब देंगे, तुम टेंशन कहीं को लेता है? अरे टेंशन हम दे भाई, हम टेंशन लेते नहीं है, देते हैं लोगों को, ठीक है? चलिए सवाल का जवाब दीजिए, बोल बच्चन बंद कीजिए, आप हनफी क्यों हो? शब्बीर टीटीएस भाई, आपका जिम ना जाके आपसे सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। आप हनफी क्यों हो? मैं बोल रहा हूँ कि पहले मुझे ये बताओ कि लकुम दीनुकुम वलियदीन पे अमल क्यों नहीं करते तुम लोग? वो हमारा अमल उसके ऊपर है, पूरे कुरान में मेरे भाई सूरह फातिहा से लेके सूरह नाज तक एक ही आयत में हमारा अमल है। आप खाली एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप हनफी क्यों हो? अगर आपको मालूम है तो आप जवाब दे दो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। बताओ मेरे भाइयों। अरे मेरे भाई, मेरे भाइयों कौन बताएगा आपको? अभी ऑडियो व्हाट्सएप पे अभी नहीं पहुंची है। अरे आप हनफी क्यों हो बताओ ना मेरे भाई, मतलब दिनभर छाती भाई दिनभर छाती चीर के कहते हो कि हम तो हनफी मुकल्लिद है, हम तो हनफी मुकल्लिद है, तो बताओ ना हनफी मुकल्लिद क्यों हो तुम? आप भाई हनफी मुकल्लिद क्यों हो? इसलिए हम हनफी मुकल्लिद है कि वो मसाइले शरईया जो कुरान और हदीस में सराहतन वजाहतन ना हो, उनके लिए हमें ये हुक्म दिया गया है कि किसी मुजतहिद के कौल को अपना लो, क्योंकि इसलिए कि वो बात जो मंसूस इलैह ना हो और कुरान और हदीस में सराहत वजाहत के साथ ना हो, हर उस मसले को तुम कुरान और हदीस से अखज नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसी ना किसी का दामन पकड़ना पड़ेगा और दबाव आईने इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाहु तआला अन्हु का मुकाम सबसे अरफा आला है, और ये हम ही नहीं बल्कि गैर मुकल्लिद भी मानता है, इसलिए हमने इमाम आजम अबू हनीफा का दामन पकड़ लिया इन मसाइल में, इसलिए हम अच्छा ही है। अब मुझे तुम अच्छा जी भाई समझ गए, लेक्चर बंद कीजिए। आप सवाल ये है कि क्या नबी ने आपको अहले हदीस कहा? भाई क्या नबी ने अपने आप को हनफी कहा? अब तुमने जवाब दे दिया है, अब मेरी बात को सुनोगे कि बड़बड़ करना शुरू कर दोगे? आपने कहा कि हम ऐसे मसाइल में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का दामन पकड़े हुए हैं, तो आपने मेरे भाई दामन काहे के लिए छोड़ दिया अपने इमाम का? हमने आपकी इमाम आजम मदीना को हरम नहीं मानते थे, लेकिन आप उसको हरम मानते हो, आपने अपने इमाम का दामन छोड़ दिया। आपके इमाम का भाई शव्वाल के जो भाई वो रोजे रखे जाते थे उनको बिदत कहते थे, तो आपने अपने इमाम का दामन छोड़ दिया, ठीक है? आप तो झूठ बोल रहे हैं ना, आप हनफी क्यों हो इसका सही जवाब दीजिए। ये गोल गोल बात है भाई, ये जलेबी वाला जवाब ना दीजिए। आप हनफी क्यों है इसका जवाब आप दीजिए। आपको कयामत की सुबह तक का आपको टाइम दे रहे हैं, कयामत की सुबह तक का आपको टाइम दे रहे हैं, आप हनफी क्यों हो इस सवाल का जवाब मेरे को दे दो। बड़बड़ बंद करो मेरे भाई सभी टीचर भाई, आप हनफी क्यों है इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने अपने इमाम का दामन पकड़ने का वादा किया है, लेकिन आपने कम से कम हजारों मसले मसाइल में आपने अपने इमाम का दामन छोड़ दिया है, और आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि जो इमाम के कौल को रद्द करे उसके ऊपर लालच हो, तो आप तो लालच के मुस्तहक बन गए ना भाई। बड़बड़ नहीं जिन ना जाके भगा देंगे तुम्हारा, अभी जिन भगा देंगे अभी तुम्हारा कुंडा छट्टी चिल्ला बल्ली ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं चौधरी अभी सब तुम्हारे ऊपर निकाल देंगे। अभी हम अभी तुम्हारे ऊपर हलवा खिचड़ा बर्फी मलिदा और लड्डू और टिकिया और बालूशाही अभी ये सब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी धनाधन। बस जिन ना जाएंगे, जितना पूछ रहे उतना जवाब दो कि तुम हनफी क्यों हो।
अरे पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो, मैं तुम्हारे पांच सवालों का जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहो, बस जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। मतलब भाई हमें मालूम है कि आप जैसे जाहिलों के मुंह में खुली हुई भाई बवासीर हो चुकी है, तो जो उनके मुंह में आता है बस वो लोग उगलते रहते हैं। हमें जवाब चाहिए, आप हनफी क्यों हो? आप हनफी क्यों हो मेरे भाई? अहले हदीस किसने किसको कहा है ये हम सब बताएंगे आपको, परेशान न होइए। अरे आप परेशान न होइए शब्बीर भाई, अरे अरे चिल्लाइए मत, फेफड़े बाहर निकल आएंगे। अरे शब्बीर भाई औज़ु बिल्लाह पढ़ लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, जब भी आराम ना हो तो भाई आईने के ऊपर अपने शक्ल को देख ले, इंशाल्लाह आपको आराम हो जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाएंगे अपनी शक्ल देख के आप, क्योंकि इतनी लालच बरस रही है आपकी शक्ल के ऊपर कि इतनी लालची शक्ल अगर आप आईने में अपनी देख लेंगे तो आपका जिन भाग जाएगा अपनी शक्ल देख के। अरे मेरे भाई बड़बड़ की दुकान हो क्या ले हो मेरे भाई? अभी ऑडियो आपकी व्हाट्सएप के ऊपर डाल रहे हैं, सब लोग जान जाएंगे कि शब्बीर डीटीएस किया यानी कि तनाते किया को ये भी नहीं मालूम है कि वो हंसी क्यों है। बस काफी पीछे कहते हैं हम तो हंसी है, लेकिन हंसी क्यों है मालूम नहीं। क्यों हंसी है? क्योंकि हम हंसी है। और हंसी क्यों है? क्योंकि हम हंसी है। अरे तो हंसी हो क्यों? कम से कम ये तो बताओ। बस हंसी। अरे हंसी हो क्यों ये तो बता दो। तुमको खुद को नहीं मालूम, तुम्हारे अल्लामाओं को नहीं मालूम, तुम्हारे उल्लूमाओं को नहीं मालूम कि तुम हंसी क्यों हो और वो लोग हंसी क्यों हैं? इमाम साहब के दामन पकड़ने का नाम लेते हो झूठा, कितना बड़ा झूठ बोल दिया है। इमाम साहब का दामन तो तुमने कब का छोड़ दिया है? तुम्हारे आलिमों ने अकाबिरों ने इमाम साहब का दामन छोड़ दिया है। इमाम साहब के कितने सारे कौन नए मसले मसाइल है जिनको आज कोई मानता ही नहीं है, तो इमाम साहब के दामन पकड़ने की तो बात ही झूठ हो गई। तो झूठा जवाब नहीं चलेगा, सच्चा जवाब दो कि तुम हंसी क्यों हो? अरे बड़बड़ की दुकान जिन ना जाएगी, तुम हंसी क्यों हो बताओगे कि नहीं? अरे हंसी क्यों हो? चलो चलो ठीक है, तुम्हारा जिन जा गया। शब्बीर भाई सलाम अलैका, शब्बीर टीटीएस सलाम अलैका, जाहिल हंसी सलाम अलैका, बरेली बिदती सलाम अलैका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अला मन इस्तमाल हुदा। अरे तूफान मैं तो एक बात भूल ही गया यार, मैंने तुमको 10 दिन का टाइम दिया था कि एक हदीस सुनाना जिसके सारे के सारे रावी अहले बैत हो, वो हदीस याद हुई क्या? सुनाओ तो जरा जल्दी से। भाई हमको कब चैलेंज किया? हाँ भाई हमने कब चैलेंज किया? मैंने तुमको पर्सनल में भेजा था, 4 दिन हो गया ऑडियो। नहीं भाई सुना नहीं होगा, क्या था चैलेंज इसमें भाई? ऐसी हदीस सुनाओ जिसमें सारे के सारे रावी अहले बैत अतहार से हों। अहले बैत का नाम भी पता है कि नहीं? नहीं तो तुमको मतलब उससे क्या लेना देना हदीस से? हदीस सुनना चाहते हैं भाई, सनद और मतन के साथ। हदीस ना सुनो, अपनी वो सुनो, सेक्सी फिका स्टार्ट करो सुनाना। मैं क्या सुनोगे? हिदायत सुनोगे? दुर्रे मुख्तार सुनने के क्या सुनोगे? सुनाओगे? नहीं हदीस हम नहीं सुनाते मेरे भाई, मुकद्दिस लोगों को हदीस से क्या लेना देना? चलो हदीस नहीं सुनाओगे, चलो अभी मुकद्दिस को हदीस से क्या लेना देना? गालीबाज मैं हदीस फिर गालीबाज बोल। ए बरेलवी भाई सलाम अलैका, मैंने गाली क्या किया? बरेलवी भाई सलाम अलैका। जिन पकड़ लिया इसको? नहीं जिन नहीं पकड़ा बेटा, जो तुम ये वीडियो बेटा तुम डालते हो ना यूट्यूब के ऊपर, वीडियो डालते हो आधी अधूरी, उसमें ऑडियो डालते हो और कहते हो अक्कू खान गाली देता है और नदीम बुरहानपुरी की तुमने बात लगा दी थी। अबे क्या बात लगाएगा अबे तू मेरी? अबे तू क्या बात लगाएगा मेरी? अबे तेरा बाप भी आ जाएगा तो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, समझा बेटा? अभी तू बच्चा है, मुन्ना बेटा, जाके मदरसे में अलिफ जबर आ बा जबर बा जाके पढ़, समझा बेटा? अरे तू बच्चा, अबे तू गालीबाज है, नंबर वन गालीबाज है। भाई नहीं सुनाऊंगा हदीस, तेरे की हुज्जत है? अबे तेरे की हुज्जत है अभी अपने इमाम के कॉल पे तो